फंडामेंटल राइट्स आपके फीचर्स याद रखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज दैट द फंडामेंटल राइट्स दे आर सम ऑफ देम दे आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस व्हाइल अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल द पर्संस, ठीक है। दैट मींस सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दे आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस व्हाइल अदर्स दे आर अवेलेबल टू ऑल द पर्संस। अब सिटीजनशिप में समझेंगे सिटीजन क्या होता है, पर्सन क्या होता है। फिलहाल आप ऐसे याद रखेंगे, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं दे आर अवेलेबल टू ऑल द पर्सन। पर्सन में क्या आएगा, पर्सन में सिटीजन भी आएगा, पर्सन में कोई फॉरेनर भी आएगा, पर्सन में कोई लीगल पर्सन भी आता है। लीगल पर्सन मींस आपका जो कोई कंपनी होती है, कोई फर्म होती है, कोई कॉरपोरेशन होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ए पर्सन। सो द फंडामेंटल राइट्स दे आर अवेलेबल, सम ऑफ देम दे आर अवेलेबल टू ऑल द पर्सन, ठीक है। वेदर दैट्स अ बॉडी, वेदर दैट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, अ फर्म, अ कंपनी, अ कॉर्पोरेशन, एंड सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दे आर अवेलेबल टू द सिटीजंस ओनली, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखेंगे, द फंडामेंटल राइट्स दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये आप याद रखेंगे। द फंडामेंटल राइट्स दे आर नॉट एब्सोल्यूट, इसका मतलब क्या है, द फंडामेंटल राइट्स दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके एब्सोल्यूट नहीं है। दैट मीन्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द फंडामेंटल राइट्स, ये आपको याद रखना है। सो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है ये दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अब आपको कैसे समझ आएगा, जो आपकी स्टेट है इट इज इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस विच आर रीजनेबल और नॉट, आपको कैसे समझ आएगा कि रेस्ट्रिक्शन जो है दे आर रीजनेबल और नॉट। हु विल डिसाइड वेदर द रेस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल और नॉट, इट इज द कोर्ट्स। द कोर्ट्स दे हैव द पॉवर टू डिसाइड वेदर द रेस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल और नॉट। दस द फंडामेंटल राइट्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब ये है दे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड दोज ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, बिटवीन द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द सोशल कंट्रोल। मैं समझाता हूँ, जो फंडामेंटल राइट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक राइट है, राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट, क्यों? आप कहीं पे भी किसी भी रिलीजन के बारे में, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बोल सकते। सो यूर राइट टू स्पीच इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि रेस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल, इट इज डिसाइडेड बाई द कोर्ट ऑफ लॉ, ये आप याद रखेंगे। सो आपके जो फंडामेंटल राइट है दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। दैट मीन्स दे आर नॉट अनचेक्ड, दे आर नॉट अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। सो दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये आपको याद रखना है। दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल restrictions, they are not subject to restrictions but reasonable restrictions, ठीक है। हम आगे चलेंगे, fundamental rights जो है most of them they are available against the, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, they are available against the arbitrary action of the state, ठीक है। जो आपकी स्टेट है, स्टेट हम आगे डिफाइन करेंगे, स्टेट होता क्या है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा, द स्टेट इट में इंक्लूड एन अथॉरिटी, इट इज द स्टेट एक्चुअली, और इट इज द कंट्री या कोई भी अथॉरिटी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का काम यही है, दैट द फंडामेंटल राइट्स दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स एंड दे आर अवेलेबल, सॉरी नॉट, दे आर अवेलेबल इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। लाइक द दोज विच आर गिवन अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है वो आपके अवेलेबल है अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे भी हैं दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। एंड वेन द फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट्स एक्शन ओनली, इफ दे आर वायलेटेड By the private individuals, there are no constitutional remedies, but only legal remedies. ये हम आगे बताएंगे, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है। फिलहाल आप इतना ही याद रखेंगे, जब आपके fundamental rights violate होते हैं which are available against the state's action only, ठीक है। कोई fundamental rights है which is guaranteed against the state action, if this fundamental right is violated by a private individual, तो यू डू नॉट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आप सिंपली ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी ले सकते हैं, ठीक है।
मैं समझाता हूँ. यू हैव अ फंडामेंटल राइट एक्स एंड इट इज अवेलेबल टू यू अगेंस्ट द स्टेट्स एक्शन, बट इफ द स्टेट वायलेट्स इट यू हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. बट इफ एन इंडिविजुअल विच इज अ प्राइवेट इंडिविजुअल ही इज वायलेटिंग यूर फंडामेंटल राइट एक्स, यू हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सो यू कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. उसके बाद द फोर्थ पॉइंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज दैट द फंडामेंटल राइट्स समटाइम्स दे आर नेगेटिव. कुछ फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव होते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव होते हैं. सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दे आर नेगेटिव एंड सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दे आर पॉजिटिव. ठीक है, नेगेटिव फंडामेंटल राइट मतलब ये है दैट सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दे प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. ठीक है, वो स्टेट को कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते. एंड सम ऑफ द फंडामेंटल राइट दे आर पॉजिटिव इन नेचर. क्यों? वो इंडिविजुअल्स पे कुछ प्रिविलेजेस कन्फर करते हैं. ठीक है, यू हैव अ फ्रीडम टू डू दिस, यू हैव अ फ्रीडम टू डू दिस. ठीक है, एंड सो द फंडामेंटल राइट्स कभी ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, कभी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं. कुछ फंडामेंटल राइट्स दे आर नेगेटिव इन कैरेक्टर एंड कुछ फंडामेंटल राइट्स दे आर पॉजिटिव इन कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल, फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू फ्रीडम, इट्स अ फंडामेंटल राइट विच इज पॉजिटिव इन कैरेक्टर. ठीक है, ऐसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज अ फंडामेंटल. ठीक है, ऐसी द फंडामेंटल राइट दे मे बी सम ऑफ देम दे मे बी नेगेटिव एंड सम ऑफ देम दे मे बी पॉजिटिव. अब अच्छी बात यह है द फंडामेंटल राइट्स दे आर जस्टिशियबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द फंडामेंटल राइट्स दे आर जस्टिशियबल, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स अ पर्सन कैन मूव टू द कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट. ठीक है, इफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन दे आर वायलेटेड बाय द स्टेट और एन इंडिविजुअल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट द पर्सन द एलिगेटेड पर्सन ही कैन अप्रोच द कोर्ट. दैट मीन्स द फंडामेंटल राइट्स दे आर जस्टिशियबल. ये आपको याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स दे आर जस्टिशियबल इन नेचर. ठीक है, एंड द फंडामेंटल राइट्स दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट. फंडामेंटल राइट्स दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ये आप याद रखेंगे, आगे समझाऊंगा. ठीक है, सो अब एन अग्रीव्ड पर्सन इफ ही हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, अग्रीव्ड पर्सन ही कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. ठीक है, मैं समझाता हूं. ठीक है, अगर आपका कोई लीगल राइट वायलेट होता है, आपको क्या करना है? यू हैव टू फॉलो द हायरार्की. आपको क्या करना है? आपको एक लोकल कोर्ट में जाना है, लोअर कोर्ट में जाना है, एंड देन थ्रू अपील यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट, एंड देन थ्रू अपील यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. बट इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू दैट यू विल गो टू हाई कोर्ट फर्स्ट एंड देन बाय मीन्स ऑफ एन अपील आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. नहीं, इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. You can, ठीक है. उसके बाद सेवंथ पॉइंट आपको ये याद रखना है दैट फंडामेंटल राइट्स दे आर नॉट परमानेंट. दे आर नॉट परमानेंट और सैक्रोसैंक्ट कहते हैं इसको. फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, दे आर नॉट परमानेंट. इसका मतलब क्या है? जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, दे कैन बी कर्टिल्ड और रिपील्ड. फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अपनी लॉ के थ्रू रिपील कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को कर्टिल कर सकता है. दैट मीन्स द फंडामेंटल राइट्स दे कैन बी डिलीटेड. ठीक है, द फंडामेंटल राइट, जैसे हमने राइट टू प्रॉपर्टी की बात की, राइट टू प्रॉपर्टी इट वॉज डिलीटेड. ठीक है, सो द फंडामेंटल राइट्स दे कैन बी कर्टिल्ड और दे कैन बी रिपील्ड. कैसे? पार्लियामेंट इनको रिपील कर सकता है थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, विच मे बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. So, by amending the Constitution of India, you can delete or you can curtail or you can repeal the fundamental rights. ठीक है, ये आपको याद रखना है. So, fundamental rights they are not permanent or sacrosanct. Fundamental rights को repeal किया जा सकता है, उनको curtail किया जा सकता है. कैसे? जब Parliament इसके लिए एक Constitutional Amendment Act pass करे. क्योंकि fundamental rights they form the part of the basic structure of the Constitution. इसलिए पार्लियामेंट सिर्फ ऐसा ही लॉ पास कर सकता है फॉर द कर्टेलमेंट और फॉर द रिपीलिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच डज नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, फिलहाल आप बेसिक्स याद रखेंगे. उसके बाद आठवां पॉइंट ये है दैट द फंडामेंटल राइट्स दे कैन बी सस्पेंडेड. दे कैन बी सस्पेंडेड. फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है इन केस ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी. ये भी हम आगे बताएंगे इन इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स. फिलहाल आप याद रखेंगे द फंडामेंटल राइट्स दे कैन बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21. ठीक है, सो द फंडामेंटल राइट्स कैन बी
कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल एमरजेंसी एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19, दे कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द इमरजेंसी, व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। जो हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है, मैं समझाता हूँ, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दे कैन बी सस्पेंडेड, आप याद रखेंगे, द फंडामेंटल राइट्स दे कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम आर्टिकल, जो भी हमारा आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 है, वी हैव द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32, दिस फंडामेंटल राइट्स दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी, अंडरस्टूड, ठीक है। एक्सेप्ट आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं, द नेशनल इमरजेंसी इट इज इम्पोज्ड ऑन थ्री ग्राउंड्स, द फर्स्ट ग्राउंड इज द वॉर, द सेकंड ग्राउंड इज द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द थर्ड वन इज इंटरनल आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है। दीज आर द थ्री ग्राउंड्स ऑन विच द नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन इंडिया, ठीक है। इवन इन केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड ऑन वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल आर्म्ड रेबिलियन, ऑल द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड अगेन एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। बट इफ द नेशनल इमरजेंसी इज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, सो द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड व्हेन द फंडामेंट, मैंने अभी बोला कि आर्टिकल 19 के अंडर भी आपके 6 राइट्स हैं, they can be suspended when the national emergency is declared on the grounds of war and external aggression, theek hai, but if the national emergency is declared on the grounds of internal armed rebellion, theek hai, the article 19 cannot be suspended, ye aapko yaad rakhna hai. So the 6 rights guaranteed by article 19 can be suspended only when the emergency is declared on the grounds of war and external aggression, theek hai. But this article cannot be suspended if the emergency is guaranteed under, if the emergency is imposed under the internal armed rebellion. ठीक है, उस time ये suspend नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। But the suspension of the fundamental rights during a national emergency, वो क्या होता है, कैसे नहीं होता है, वो हम अगर मौका मिला तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं दैट द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, या आप याद रखेंगे आर्टिकल 31B एंड आर्टिकल 31C। हम इन आर्टिकल्स की बात नहीं करेंगे, बट द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड आर्टिकल 31C, इनको हम डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 31A डील्स विद द सेविंग ऑफ सर्टन लॉज विच प्रोवाइड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, ऐसे आर्टिकल 31B है, इट डील्स विद सर्टन लॉज विच डील विद द वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस वगैरह वगैरह, ठीक है, विच आर इंक्लूड इन द 9th शेड्यूल। एंड आर्टिकल 31C इट डील्स विद द लॉज गिविंग इफेक्ट, सेविंग ऑफ सर्टन लॉज विच गिव इफेक्ट टू सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। आर्टिकल 31A ये कुछ लॉज को बचाता है, ठीक है, जो लॉज प्रोवाइड करते हैं फॉर द एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, ऐसे आर्टिकल 31B ऐसा आर्टिकल है विच वैलिडेटेड सर्टन एक्ट्स, ठीक है, एंड सर्टन रेगुलेशंस विच आर इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। और आर्टिकल 31C इट प्रोवाइड सेफ्टी टू सर्टन लॉज विच गिव इफेक्ट टू सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये बेसिक्स में याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है दैट द फंडामेंटल राइट्स देयर एप्लीकेशन इज लिमिटेड, ये आपको याद रखना है, इन इट देयर एप्लीकेशन दे कैन बी लिमिटेड, दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड और दे कैन बी एब्रोगेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन केस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, द पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड द पुलिस एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। सो फॉर द सिक्योरिटी पर्सनल, मैं कहूंगा सिक्योरिटी पर्सनल जिसमें हमारे आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, पुलिस होता है, पैरामिलिट्री होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज होते हैं और बाकी एजेंसीज होते हैं, इनके लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड और दे कैन इवन बी एब्रोगेटेड। तो इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर रेस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट्स और दे आर एब्रोगेटेड फंडामेंटल राइट्स, एंड वी कैन रेस्ट्रिक्ट देयर एप्लीकेशन फॉर दीज पीपल
बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। दिस वॉज द 10th पॉइंट। और 11th पॉइंट आप ये याद रखेंगे दैट द फंडामेंटल राइट्स देयर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग अ मार्शल लॉ, इज द 11th पॉइंट। सो फंडामेंटल राइट की रेस्ट्रिक्शन हो जाती है ड्यूरिंग अ मार्शल लॉ। व्हाट इज अ मार्शल लॉ? मार्शल लॉ भी हमें डिटेल में पढ़ना है आगे, ठीक है। व्हेन अ मार्शल लॉ इज इन एप्लीकेशन इन अ प्लेस इन एन एरिया, उस एरिया में हम क्या कह सकते हैं, दैट द फंडामेंटल राइट्स दे कैन बी, द फंडामेंटल राइट्स देयर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। मार्शल लॉ इन सिंपल टर्म्स हम कहते हैं मिलिट्री लॉ को और मिलिट्री रूल को, ठीक है, ड्यूरिंग सर्टन एबनॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। इट इज नॉट अ नेशनल इमरजेंसी, आप याद रखेंगे। सो मार्शल लॉ में क्या होता है, मिलिट्री रूल इज इम्पोज्ड एट अ प्लेस इन एन एरिया एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल इमरजेंसी। इट इज डन अंडर एबनॉर्मल conditions, abnormal circumstances, और इस मार्शल लॉ में भी क्या होता है, the application of fundamental rights it can be restricted, ठीक है। और आप लास्ट पॉइंट ही याद रखेंगे, the fundamental rights they can be self executory, ठीक है, but some of them they can be enforced on the basis of law, ठीक है। मैं समझाता हूं, most of the fundamental rights they are सेल्फ एग्जीक्यूटरी, दैट मीन्स दे आर सेल्फ इम्पोज, ठीक है। फंडामेंटल राइट को इम्पोज करने के लिए, फंडामेंटल राइट को अमल में लाने के लिए फंडामेंटल राइट इट सेल्फ इज सफिशियंट एंड इट इज सेल्फ एग्जीक्यूटरी एंड इट इज डायरेक्टली एनफोर्सेबल, ठीक है। फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होगा, यू कैन अप्रोच डायरेक्टली टू द कोर्ट, और फंडामेंटल राइट खुद ही enforceable होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ fundamental rights को enforce करने के लिए we have to make laws, only the parliament can make laws, ठीक है। कुछ fundamental rights वो खुद ही enforceable होते हैं और कुछ fundamental rights को enforce कराने के लिए parliament को law बनाने पड़ते हैं। सिर्फ parliament laws बना सकता है for the enforcement of fundamental rights and not any state legislature. State legislature cannot make laws for the enforcement of fundamental rights. So these are the basic features of the fundamental rights. Next lecture में हम बात करेंगे about the article 12. इस lecture में आप इतना याद रखेंगे that the features of the fundamental rights include that the fundamental rights, some of them are available to the citizens while some of them are available to the persons. मैंने already बता दिया, they are not absolute but they are subject to reasonable restrictions and they usually help in the they limit the arbitrary action of the states and they are available against the arbitrary action of the state but some of the them are available against the action of an individual or private individual, theek hai। maine kaha ki some of them may be negative and some of them may be positive, maine ye bhi bola that they are justiciable in the court, theek hai, and you can approach directly to the supreme court if your right is violated and the fundamental rights they are not permanent but can be repealed or abrogated by the parliament by an act। मैंने ये भी कहा they can be suspended during national emergency except those under article 20 and 21 and even article 19 can be suspended during national emergency like other articles but if the national emergency is imposed under on the grounds of internal armed rebellion then even article 19 cannot be suspended। उसके बाद मैंने बोला there the scope of operation of the fundamental rights is restricted by article 31 a b and c। uske maine baad maine ye bola jo aapke security personnel hote hain unme hum inke fundamental rights abrogate kar sakte hain, theek hai, aur restrict kar sakte hain by an act of the parliament। uske baad maine bola ki fundamental rights ka jo operation hai aur application it can be restricted during a military rule or martial law, aur maine bola ki fundamental rights self executory hote hain, they are directly enforceable and some of them they can be enforced through an act of the parliament। so this was all about the features of the fundamental rights। thank you so much for watching, have a nice day।